नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे कर्क राशि के जातकों के मन का सबसे बड़ा डर आखिर होता क्या है, जानिए पूर्ण विस्तार से। दोस्तों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता से ये पता करेंगे कि आपके मन का सबसे बड़ा डर क्या होता है। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में छठवें, आठवें और बारहवें स्थान अत्यधिक समस्या देने वाले होते हैं और इनमें डर का निवास स्थान छठवें भाव, आठवें भाव में होता है। छठवें भाव से सामान्य डर ज्ञात होता है और आठवें भाव से अज्ञात और छुपा हुआ डर ज्ञात होता है। छठवें भाव से उत्पन्न डर सीधे सीधे बारहवें भाव को प्रभावित करता है और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आठवें भाव से संबंधित डर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आती है और जीवन में तेजी से सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपने डर पर आप विजय प्राप्त कर सकें और इन कारणों को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कर्क राशि के और उसके मन के सबसे बड़े डर के बारे में। कर्क राशि राशि चक्र में चौथे स्थान पर आने वाली राशि है। यह राशि काल पुरुष का वक्षस्थल है। इस क्षेत्र में दल का भी स्थान है। कर्क राशि का अर्थ होता है केकड़ा, जो कि अपनी पकड़ के लिए विख्यात है। केकड़ा जब अपने पैरों की सहायता से किसी चीज को पकड़ लेता है तो उस चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। केकड़े के इसी स्वभाव की भांति कर्क राशि में जन्मा मनुष्य भी बहुत जिद्दी होता है। चाहे उसकी जिद उसका हित ही क्यों ना कर दे, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटता। कर्क राशि पर चंद्रमा का आधिपत्य आता है, जिसके चलते यह कला व कला के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। यह राशि सबसे अधिक कल्पनाशील है और परिवार में जीवन साथी के साथ पूरी वफादारी व ईमानदारी साबित करती है। स्वभाव से ज्यादा दयालु, लोगों के बोलने से पहले उनकी जरूरत को समझने वाली, भावनात्मक और जब एक बार किसी कार्य को करने की सोच ले तो अधिक और बहुत ज्यादा दृढ़ वाणी में मिठास और अपनापन लिए ये लोग अपने आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसा इनका स्वभाव मीठा होता है, वैसे ही इन्हें भोजन में भी मीठी चीजें ही पसंद होती है। प्यारे दोस्तों, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इस राशि के तीनों देश कोनों के स्वामी है। चंद्रमा इनके अंदर कल्पनाशीलता डालता है, जिसके कारण ये लोग विचारों और ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसके चलते इनको आलसी मान लिया जाता है। मंगल इनके अंदर चिड़चिड़ापन और असफलता का भाव बनाता है, जिसके चलते लोग इन्हें निराशावादी मानते हैं। बृहस्पति बुद्धि का कारक बनके इनकी समझदारी को बढ़ाता है, जिससे लोग इन्हें चालाक समझते हैं। लेकिन न तो ये आलसी होते हैं, न ही ये लोग निराशावादी होते हैं, और चालाकी जैसी चीजों से केवल इन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है। किसी भी पुरानी घटना को सोचकर इनका विश्लेषण करना आलस्य नहीं है। जीवन में कर्क राशि और सभी राशियों की तुलना में सबसे अधिक धोखे खाती है, इसलिए धोखे से बचने के लिए किसी भी कार्य के नकारात्मक पक्षों को पहले सामने रखती है, इसलिए इसे निराशावादी भी नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को चालाक शब्द से जोड़ना भी बहुत गलत है। ये लोग भूतकाल की घटनाओं से इतने आहत रहते हैं कि जीवन में हर क्षेत्र में बहुत ही सावधानी से चलते हैं, और इस सावधानी के लिए इन्हें चालाक होने की उपाधि देना सही नहीं होगा। अपने संबंधियों, मित्रों और आसपास के लोगों से इतने विश्वासघात और धोखे खाने के बाद किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित महसूस करना बहुत ही सामान्य सी बात है। दोस्तों, भूतकाल में मिली असफलताएं और भविष्य में और असफलताएं मिलने की कल्पना इन्हें असुरक्षा और असमंजस में डाल देती है। जीवन में सबसे ज्यादा धोखा खाने वाली राशियों में भी इनका नाम पहले नंबर पे आता है। जीवन में बार बार धोखा और विश्वासघात ही इनके मन के सबसे बड़े डर को जन्म देता है। इनको लगता है कि इनको जीवन में कोई समझ नहीं पाएगा और इनके चलते इन्हें अस्वीकृति श्रेणी यानी रिजेक्ट लिस्ट में डालकर चला जाएगा। इनकी अत्यधिक सरलता, सौम्यता, वफादारी ही इनके मन के सबसे बड़े डर को उत्पन्न करती है। इनकी सरलता का लोग फायदा बनाकर इन्हें धोखा देकर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और यह उन्हें देखते रह जाते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण यह भूतकाल की घटनाओं में सदैव उलझे रहते हैं। बढ़ती उम्र के चलते पुरानी उलझनों को बिना सुलझाए ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और तभी इन्हें एक और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इनका जीवन बस एक उलझन बन के रह जाता है। कर्क राशि में जन्मे लोगों को भूतकाल की घटनाओं से मजबूती से चिपके रहना ही इनकी सबसे बड़ी समस्या है।
आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वोत्तम रचना है और सभी अनमोल है। कोई यदि आपकी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो यह उस व्यक्ति का बड़ा दुर्भाग्य है, न कि आपका। और यदि इस दुर्भाग्य के प्रभाव में वह आपको छोड़कर आगे बढ़ने का दुस्साहस कर रहा है तो आपको भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें समय के साथ इस जीवन में आगे बढ़ना है। नदी में बहते रहने वाला जल कभी दूषित नहीं होता, लेकिन एक जगह पर रुका हुआ जल दूषित व विषाक्त हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए आप भी पुरानी यादों पर अपने मन को रोक कर न रखें और अपने जीवन को विषाक्त होने से बचा लें। और इस बार जब रिजेक्ट होने का भय सताए तो यह समझ लीजिए कि वह आपको नहीं अपने अच्छे भविष्य को रिजेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर के सभी विकारों का नाश करें और आप अपने सभी प्रकार के डरों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी आशा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।